हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मैसेजेस हैं, क्या उनकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं जो वो मैसेजेस के थ्रू आपको कन्वे करना चाहते हैं। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पर न्यू है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी रीडिंग आप मिस ना कर सकें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट करें, ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा पे मिल जाएगा। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, वहाँ पर जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए, जिनके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पर फोकस करिए कि रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इसको किसी के लिए भी देख सकते हो, चाहे वो आपका पर्सन क्रश है, चाहे वो फ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई एक्स है, कोई फियोंसी है, कोई लवर है, व्हाटएवर, कुछ भी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आपने फोकस करना है और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आप एनर्जी इस रीडिंग की अपने साथ एक्सचेंज कर सकें। सो फोकस ऑन योर पर्सन एंड थिंक अबाउट देम। सो लेट्स सी, देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं जो मैसेजेस के थ्रू आपको कन्वे करना चाह रहे हैं इस टाइम। सो हमारे पास है, आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ। आपके बिना ये काफ़ी खुद को खोया खोया सा महसूस करते हैं। लाइक यहाँ तो आप लोगों का ख्याल बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रहा है, इनको नहीं समझ आती जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो ये अपनी लाइफ के किसी और ही फेज में चल रहे हैं कि लाइक दुनिया में क्या हो रहा है, इस पर्सन को उस चीज़ से कोई भी कंसर्न ही नहीं है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बिना आपके ख्याल में खोया हुआ ये पर्सन। समटाइम्स अ पार्ट विल ब्रिंग अस द क्लैरिटी वी सीक। यस, ये कह रहे हैं कि कभी कभार आप लोगों का जब आप एक दूसरे से अलहदा हो जाते हो, जुदा हो जाते हो, तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है उस चीज़ की कि आपको क्या चाहिए कनेक्शन में, उस पर्सन से क्या चाहिए। तो वही सिचुएशन चल रही है कि हर चीज़ को काफ़ी क्लैरिटी से, काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्होंने उस चीज़ को मिल चुकी है इस पर्सन को, कि इसने ढूंढा है आप लोगों से इसे चाहिए क्या है। तो वो बेसिकली ये पर्पस समझ चुके हैं कि इनको आपसे क्या चाहिए, क्योंकि समटाइम्स दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेस पे जाना, ठीक है ना। लाइक दूर हो जाओ, एक दूसरे को स्पेस दो कि बेसिकली आप समझ सको कि आपको पर्सन पसंद क्यों है, आप उसे चाहते क्या हो, ठीक है। इस वजह से तो काफ़ी लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ एक इनको खिंचाव महसूस हो रहा है। आई स्टिल वॉन्ट यू इवन इफ आई डोंट शो इट। ये पर्सन स्टिल आपको चाहता है, इवन ये आपको ना शो करते हों, बिल्कुल भी लापरवाह सा, केयरलेस सा शो करते हों, लेकिन स्टिल ये आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन शो नहीं करते। आई कॉन्ट वॉक अवे फ्रॉम माई कार्मिक सिचुएशन जस्ट येट। अभी ये पर्सन हो सकते हैं अपनी किसी तरह से कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, किसी तरह से भी कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, बुरा फेस चल रहा है इस टाइम लाइफ का, स्टडी से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो ये भी वॉक अपने अवे नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों से, क्योंकि इन्होंने अपने लेसन लेने हैं, तभी तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचा जा रहा है। यू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन। आपने इस पर्सन को काफ़ी इंस्पायर किया एक अच्छा इंसान बनने में, आपको डेफिनेटली ये चाहते हैं, इसलिए अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो डेफिनेटली वो अपने आप को खुद चेंज करेगा, क्योंकि वो आपको चाहता है, आपको उसमें क्या पसंद है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जैसा चाहते हो ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने इस पर्सन को मोटिवेशन दी, इंस्पायर किया, जज्बा दिया इस चीज़ का। आई प्रिटेंड नॉट टू लव यू बट आई डिड एंड आई स्टिल डू। गैट, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है गाइस, या फिर ये एक्सप्रेस करते नहीं हैं, इनकी लव लैंग्वेज ही टोटली डिफरेंट है आप लोगों से। हो सकता है आप लोगों को समटाइम्स लगता हो कि ये पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंटरेस्टेड हो, या ये आपको चाहते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन स्टिल ये आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और अपने आप को चेंज कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो। यू आर द ओनली वन डैट ट्रूली गेट्स मी। आप ही एक हो जिसने कि ट्रूली में इस पर्सन की अटेंशन, इस पर्सन का लव हासिल किया, आपको इस पर्सन का लव मिला, आप लोगों को ही ये पर्सन चाहता है, इसके दिल तक आप लोग पहुँचे हो और कोई नहीं पहुँचा। गाइस ने कनेक्शन जितने भी रखे हों, लेकिन यू गाइस आर अमेजिंग, आपने इसके उस हार्ट को, उस इमोशंस को हिट किया आप लोगों ने। यस, सो नेक्स्ट वी हैव, आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस टू वर्क दिस आउट। ये पर्सन स्टिल होप कर रहा है कि आपका ये कनेक्शन वर्क करेगा और आप दोनों की मीटिंग जरूर होगी। अगर मीटिंग नहीं है आपकी, अभी तक नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली इनको होप है कि आप दोनों का ये कनेक्शन वर्क करेगा और आप मिलोगे भी।
आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज, ये पर्सन जानते हैं कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए, शायद इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है आप लोगों के साथ जिसकी वजह से ये जानते हैं कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, यस कि अपनी इमोशंस को हाइड करते हैं। कुछ लोग आपसे सीक्रेटली लव करते हैं, सीक्रेट फ्रेंड, सीक्रेटली एडमायर, लाइक सीक्रेटली कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको प्यार करता है, पसंद करता है, फीलिंग्स हैं उसकी, लेकिन आपसे छुपाया जा रहा है उन फीलिंग्स को, क्योंकि वो खुद पे वर्क कर रहे हैं कि आप जिस जैसा पर्सन आप चाहते हो या जैसा पसंद करते हो वो उस तरह बन जाए, फिर ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेगा। आई सी स्टिल सीक्रेटली लॉन्ग फॉर यू, ये पर्सन सीक्रेटली आप लोगों के लिए तड़पता है और आपको शायद इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा। बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद इनको माफ़ी मांगनी है पहले आपसे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद आप माफ़ ना करो क्योंकि शायद इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है आपको किसी भी चीज़ को लेकर। आई नीड टू हेल्प हील माई ओन इशूज़ फर्स्ट, इस पर्सन के कुछ इशूज़ हैं गाइज। एक तो ये कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, मे बी ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जिसका कार्मिक पार्टनर है, वट एवर रिलेशनशिप है, एंगेजमेंट है या मैरिज है, लेकिन इनको पहले अपने आप को हील करना है, फिर उसके बाद ये कनेक्शन अच्छे से आपके साथ चला सकते हैं। जब तक खुद को हील नहीं करेगा तब तक ये पर्सन कनेक्शन आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं चला सकेगा, क्योंकि पास्ट का ट्रामा उसको हील ही नहीं होने देगा। सो इनको हील होने का मौका चाहिए भी। ये बात यहाँ पे हो रही थी गाइस, आई एम डीलिंग विद माई कार्मिक पार्टनर। एक तो सिचुएशन भी कार्मिक चल रही है, ऊपर से कार्मिक पार्टनर से डील कर रही है पर्सन, तो जब तक कार्मिक पर्सन से इसने अपने लेसन नहीं लेने, उसको हील नहीं करना, रिलीज नहीं करना, तब तक ये आपके साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। पसंद करते हैं लेकिन तब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ चल पाएगा। यहाँ पर ये भी सिचुएशन मुझे लग रही है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी की वजह से छोड़ा हो, इसी वजह से इनको माफ़ी मांगनी है आपसे, लेकिन ये भी यूनिवर्स की तरफ से एक यू नो डिवाइन प्लान होता है कि इस पर्सन ने अपने कार्मा कोई ना कोई है जिनको रिलीज़ करने के लिए किसी ऐसे पर्सन के साथ जाना, जहाँ से इसकी ग्रोथ होनी है, फिर उसके बाद इसने आपके साथ दोबारा मीटिंग में आना है। तो इट्स ऑल अबाउट डिवाइन प्लान, ठीक है। सो आप मैनिफेस्ट करिए, ट्रस्ट रखिए, जो भी होगा आपके लिए बेटर होगा। सो या दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आई होप आपसे रेजोनेट किए हों, पसंद आए हों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।